मैं बड़ी सरल बात कहता हूं, कठिन बात नहीं, बिल्कुल सरल, जो सबकी समझ में आ जाए। ये स्कीम बड़ी अच्छी है एनपीएस, क्या ये मगज के लड्डू है? सुन लो ठीक, तो जिनको पसंद है उनको खिलाओ, सबको जबरिया क्यों खिला रहे हो भाई? मैं कह रहा हूं जिन भी लोगों ने एनपीएस लागू की, मैं अटल जी तक कहां जाऊं, मुद्दत हो गई। आप मुलायम सिंह को पकड़ोगे या अटल जी को पकड़ लेंगे, फिर इसलिए उस चक्कर में मत पड़ो सरकार किसकी थी, ठीक। अरे रुको भाई अवनीश बाबू, बात तो सुनो। मैं एक बुनियादी सवाल उठाता हूं, आज पहली बार नहीं, हमेशा उठाता हूं, आज फिर उठा रहा हूं। आप एनपीएस बहुत चतुर योजना है, बड़ा ब्रेन लगा है, बहुत जय जयकार हो जाएगा, वैकुंठ धरती पर आ जाएगा, स्वागत है। आप लाइए वैकुंठ धरती पर, एनपीएस से सोने की खदान पैदा करिए, सोने का हिमालय खड़ा करिए, स्वागत है। विजय बंधु को, हरकिशोर तिवारी को यह गारंटी दे दीजिए कि एनपीएस से हमको 200% आय होगी, लेकिन हम आपको आपकी सैलरी का 85% देंगे, ये दे दीजिए गारंटी। बाकी जो एक्स्ट्रा कमाएं आप, वो आप रखो, क्या सरकार रखे, और ज्यादा हो तो उससे सांसदों का भत्ते और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं देश में। इन्हें तो इतनी कह रहे कि 50% की गारंटी ले लो, और ये बात आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं समझा पाए अवनीश जी, जो दुनिया का फैसला करते हैं उनसे ज्यादा दिमाग वित्त सचिव के पास तो नहीं है, ना कार्मिक सचिव के पास है, क्या सबके दिमाग का लेवल अपना अपना अलग अलग। अरे भाई सुन तो ले, अरे लेवल मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो सबका इजलास अदालती है ना मित्र। आप बाबू की बात कर रहे हो, उनको क्यों नहीं समझा दिया कि जज साहब ये एनपीएस बिल्कुल समझ लीजिए कि कौस्तुभ मणि है, क्या उनको तो समझ नहीं आया? और सब सरकारों ने कहा कि ठीक है भाई जजेज को पुराने में रखेंगे। मैं यही समझना था, आपके पास एनपीएस अलादीन का चिराग लग गया, सरकार उससे लाभ कमाए, ये लिख के सरकार दे दे कि अगर किसी स्थिति में एनपीएस डिप करता है तो सरकार भरपाई करेगी और कर्मचारी उससे प्रभावित नहीं होगा। इतनी सरल सी बात है अवनीश जी, नहीं देखिए कोई योजना शुरू की गई और योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर गलत हो गया तो निश्चित तौर पर इस योजना में खामियां ही खामियां आपको नजर आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद जब उसमें खामियां, इतनी सारी खामियां दिख गई, तो जब तक हम उसको बिल्कुल ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे लोगों को, चाहे हमारे कर्मचारी भाई बंधु हो चाहे वो कोई बंधु हो, जब तक हम उसको ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे तब तक वो ऐसे ही अनरेस्ट बना रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने कहा हमने ओपीएस लागू कर दिया, ओपीएस लागू करने के बाद उनकी स्थिति ये बन रही है, उनकी स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही कि वो वर्तमान का वेतनमान भी नहीं दे पा रहे। सेवंथ पे कमीशन देने के बाद हम आज उत्तर प्रदेश में आठवें पे कमीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ आगे चल के आठवां पे कमीशन आएगा, और पश्चिम बंगाल में अभी फिफ्थ के पे कमीशन पे ही कर्मचारी काम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारे विषय हैं, मुझे लगता है आपका दर्द भी ठीक है, मेरा दर्द भी यही है कि हमारे विजय जी और सब लोग संतुष्ट रहें, सरकार की नीतियों से संतुष्ट रहें, हरकिशोर जी को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, और निश्चित तौर पर सरकार कर्मचारियों के भले के लिए काम करती है। ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो चाहे कि हमारे अपने लोग उनका भला ना हो पाए, हम लोग भी इन्हीं के साथ हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो योजना एक बनी थी, पूरी चर्चा करने के बाद योजना बनी थी, सभी प्रदेशों ने इस योजना को अंगीकृत किया था, और उत्तर प्रदेश को नहीं करना था तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय, नहीं करते जैसे पश्चिम बंगाल ने अभी तक नहीं किया है, तो और जब किया ही था तो उस योजना को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू करते, योजना को आधा अधूरा लागू करने के बाद आपको लगा ठीक है। अवनीश जी रुकिए, मैं अब विजय बंधु के पास आऊं, उससे पहले एक बात कहूंगा, मैं ऐसे तर्कों से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। दो दशक हो गए अभी तक योजना गोदी में ही है, बोले इसका क्रियान्वयन ठीक कर रहे हैं, गजब बात करते हो आप, ऐसे मिस्त्री को तो निकाल ही देना चाहिए जो तीन दिन से फ्यूज ठीक कर रहा है, फ्यूज ही नहीं जोड़ पा रहा, कर अब इसमें तार गलत लग गया, क्या तो क्या बात है, 20 साल हो गए वाजपेयी के समय में लागू हुई थी, स्वीकृत हुई थी योजना, आज तक नहीं ले उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें कुछ लोचा है, वो लोचा ठीक कर रहे हैं, भाई साहब लोचे वाली चीज को। दूसरी बात मैं कहता हूं, हम विश्व की पांचवी आर्थिक शक्ति हो गए, अवनीश जी कहेंगे भैया पांचवी नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं, क्या इनके मुंह में घी शक्कर, तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी,
व्यवस्था ही नहीं थी तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे। और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे भाई हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको? ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? है वो भी कुल्फी फलूदा खा रहे हैं ना, उनकी सेहत पे तो ठंडे गर्म का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको दो, जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता देंगे क्या हो रहा है। किसी पार्टी का हो, कोशिश करके देख लो, हाय हाय हो जाएगी। कर्मचारी पर अंकुश है आपका, इसलिए ना उसको कोई भी गोली खिला देंगे क्या? बोले सास ने कहा बहू को हरीरा खिलाओ, अरे बहू हरीरा खा के मर जाएगी तो क्यों खिलाना चाहते हो? सास खा ले, सास को बेहतर लग रहा हरीरा, खुद खाए, स्वास्थ्य लाभ करे। खैर विजय बंधु जी, बीजेपी कह रही है कि उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। जी जी, और मैं सर कह रहा हूँ, अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा है बात को कि किसानों ने 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने अपने से अपनी सरकार की खमियां को बता दिया। और अभी अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं, और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है, जो कमियां उनकी सरकार ने किया ये आपने किया, आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है, कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा ये कंपनियां ले जा रही है, 24% पैसा। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं, अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता, किसी का 4,000, किसी का 6,000, किसी का 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख × 10,000 पर मंथ, 12 से उसको मल्टीप्लाई करें, इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 कटवा रहा, हम कटवा देंगे, जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है, 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं कंपनियों को दे रहे हैं उसको, आप आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दिए, उसमें एनपीएस के बजाय ओपीएस मिल जाएगी, हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी मालामाल होगी। हम तो करें ओपीएस राष्ट्रहित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल सर जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है, देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है, और जीरो टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल अनैतिक है। ठीक है, रुकना होगा विजय जी, रुकना होगा, मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, भाजपा अभी तो उत्तर वही दे रही है जो पूर्व में देती रही, कि योजना अच्छी है, थोड़े इसके पुर्जे ढील गए हैं, उनको हम कस रहे हैं पेच पाना और प्लास से। हालांकि मैंने दिए भी, मैं जानता हूं अपने तजुर्बे से कि कोई भी योजना कभी भी खत्म हो सकती है अचानक से। राजनीति में सबसे जरूरी सरकार है, कोई योजना नहीं, योजनाएं आती हैं और जाती हैं। इस मेरी बात से अवनीश पटेल भी सहमत होंगे, कोई योजना इतनी बड़ी नहीं, एक जनादेश जन कितनी योजनाओं को धो देता है,
फिर दूसरा आ जाए तो पता लगा कि सभी अनुलोम विलोम कर गई योजनाएं, बोले नई योजना डालेंगे अब नहीं, तब अर्थशास्त्रियों की बात कौन सुनता है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद पर चुनाव आके टिका पिछला, तो भूपेश बघेल ने कह दिया 2600 रुपया कुंटल लेंगे, जीत गए। फिर भाजपा ने इस बार कह दिया हम 3300 लेंगे। तब अर्थशास्त्रियों से पूछा था कि 3300 रुपया में कुंटल धान खरीद के कहां ले जाएंगे धान, तिवारी सरकार का विषय हो सकता है, लेकिन ये विषय हमारे विवश का भी है। हम लोगों को भी आप देखिए लखनऊ में बड़े बड़े कार्यालय मिले हुए हैं, मान्यता प्राप्त है, हम लोग तमाम सारे संगठन बनाए जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी स्तर पर बैठ के हर 3 महीने होती है। हम लोग जब बराबर कह रहे हैं हमारे विषय को हमसे समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ के आईएएस अपने कमरे में बैठ के उसको बना रहे। जैसे किसान आंदोलन में हुआ कि वो चिल्लाते रहे, उसके बाद में उनकी बात मानी तो कब मानी उन्होंने, भाई जिसकी जिसका विषय है उससे तो पूछ लीजिए। और चीफ सेक्रेटरी ने बराबर कहा हमसे कि भाई हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम भी ये कह रहे हैं, हम इस बात का भी एक दावा कर रहे हैं जो आपके चैनलों में बहुत सारे लोग बैठ के बात करते हैं कि साहब सरकार बैठ जाएगी उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो मेरा पैसा कट रहा है हम उसी पैसे से ले लेंगे, जो पैसा बचेगा उसके बाद भी वो सरकार को दे देंगे। लेकिन आईएल एंड एफएसएससी कंपनियों में इन्होंने जो पैसा लगाया हमारा इसका रिजल्ट हमें दिखाई पड़े, जो 12-12 बार डिफॉल्टर हुई एलआईसी ने उसी को पैसा लगाते चले गए। तो ये जो बंदरबांट वहां के बैठ के लोग कर रहे हैं, जो लोग इसको प्लानिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग तो नहीं देख सकते। नुकसान तो हमारा हो रहा है उसमें। अभी बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश में हुआ घपला और वो जीपीएफ का और उनका जितना पैसा था ईपीएफ का पैसा था वो सारा का सारा बंदर बांट हो गया, ऐसी जगह लगा दिया गया जहां से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये जब होगा नुकसान तो वो हमारे खाते में जाएगा, किसी दूसरे खाते में नहीं जाएगा। जो वहां प्रबंधन कर रहा है उसके खाते में नहीं जाएगा, नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो न तो कहीं दिक्कत आ सकती है, हमारे साथ जो बैठ के बात होती है उसमें यही तय होता है कि भाई जब हम सरकार पे बोझ नहीं है तो क्यों नहीं देते। लेकिन ये हड़दंता की बात कहेंगे हम, कहीं ना कहीं हड़दंता हो रही है, इसी पे धीमे धीमे मुझे लगता है कि इनके इनके पास ये बात पहुंच रही है और ये इसको निश्चित रूप से ठीक करेंगे। जैसा आपने बताया कि खिड़की खुली है, भले एक साल पहले खुली, केंद्र सरकार ने मन बनाया कहीं ना कहीं तभी वो एक खिड़की एक साल पहले खोली गई है, तो आगे उस पर मंथन चल रहा है और आगे भी हम बिल्कुल आसान्वित हैं निश्चित रूप से ये खुलेगी। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई, इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है, सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कर्मचारी देशी सरकार होने का दावा किया, आपके अगर आपकी सरकार कर्मचारी देशी थी तो कर्मचारियों के ओपीएस मांगने पर उनके ऊपर लाठियां क्यों भांजी गई? और अगर आपकी सरकार कर्मचारी देशी थी तो आप एक बार मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने का काम किया? अगर आपकी सरकार कर्मचारी देशी थी तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो वो कर्मचारियों को लगातार धमकी क्यों दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और जिस नई पेंशन योजना को आप कर्मचारियों के लिए बेहतर बता रहे हैं उसको लेकर तो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर पूरा रोष है। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS को पहले आप बेहतर कहा करते थे, अब उसका रूप बदलकर उसका नाम बदलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS आप लेकर आए हैं, जिसकी आज आप कुरुक्षेत्र में बढ़ाई करते हुए नजर आए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये स्कीम कर्मचारियों के हित के लिए नहीं, ये बड़े पूंजीपतियों और शेयर मार्केट के हित के लिए लाई गई है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कर्मचारियों की मांग, कर्मचारियों का आंदोलन केवल और केवल OPS के लिए था। कर्मचारियों की मांग आज भी OPS है और जब तक पूरे देश के अंदर OPS बहाल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी हमने दिल्ली में लाखों लाख कर्मचारियों की एक बड़ी रैली की थी और ये दुर्भाग्य था कि उनके साथ आपने बात करना तक उचित नहीं समझा था, इसके ऊपर दो शब्द तक बोलना उचित नहीं समझा था। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, देश के कई राज्यों में चुनाव है और यहाँ पर हमारा आंदोलन इतना मजबूत है कि आपको पता है कि
ओपीएस आंदोलन के बल पर कर्मचारियों की नाराजगी के कारण आपकी सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है, इसी डर से आज आपको ओपीएस के ऊपर बोलना भी पड़ा और नई बाजार आधारित जो आपकी नीति है उसको बेहतर बताने की कोशिश की गई। असल बात यह है हरियाणा प्रदेश का और देश का एक एक कर्मचारी ना तो एनपीएस चाहता ना यूपीएस चाहता, हर कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहा है। आपसे हमारी मांग यही है कि या तो ओपीएस को बहाल करो वरना जो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम है उसको हम और तेज करने का काम करेंगे और ओपीएस बहाली पर हमारा साथ देने वाली और ओपीएस बहाली का वादा करने वाली सरकार लाने का काम करेंगे।